हाँ जी दोस्तों, सो फाइनली आईसीआई ने सीए फाइनल ऑडिट की भी अमेंडमेंट रिलीज कर दी है। मतलब अमेंडमेंट पीडीएफ जो आईसीआई रिलीज करता है वो भी उन्होंने सीए फाइनल ऑडिट की भी कर दी है। और मजे की बात यह है कि बिल्कुल भी एक भी परसेंट आईसीआई ने कोई भी अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं कराया सीए फाइनल ऑडिट में। अब इसका रीजन तो वैसे मुझे भी नहीं पता, रीजन भी क्योंकि न्यू अमेंडमेंट्स आए तो थे एक्चुअली, पीयर रिव्यू की जो न्यू एप्लीकेबिलिटी थी वो भी डेफर हुई है, प्रोफेशनल एथिक्स की कुछ गाइडलाइंस थी वो भी कुछ चेंज हुई है, कुछ हटी है, कुछ नहीं आई है। तो एज एक्सपेक्टेड जो मुझे था, तो मैंने अपनी शीट थोड़ी बहुत बनाना शुरू करी थी, तो मैंने पुराने वाले जो अमेंडमेंट एक्चुअल में आए हैं वो हिसाब से बना ली थी। बट अभी जब आईसीआई से पीडीएफ मैंने डाउनलोड करी थी, मैंने आज सुबह देखा, तब पता पड़ा कि आईसीआई ने कोई भी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल नहीं करा। तो जो लिस्ट निकाली आईसीआई की, अगर आप देखोगे तो 19 पेजेस की लिस्ट है आईसीआई के अमेंडमेंट की इस बार की। तो वो एक्जैक्टली जो मई 23 के अंदर निकाला था आईसीआई ने, मई 23 के अंदर जो अमेंडमेंट थे, क्योंकि मॉड्यूल तो आईसीआई बहुत पुरानी यूज दे रहा है, मॉड्यूल तो आईसीआई नहीं निकाली नहीं अभी तक। तो जो भी मई 23 के अमेंडमेंट थे वो की वही आईसीआई ने चेप दी कि आप जो भी मॉड्यूल रेफर कर रहे हो उसमें मई 23 वाले एक और अमेंडमेंट के लिए चेप देना। तो मई 23 वाले अमेंडमेंट क्या थे, वही पीयर रिव्यू पूरा का पूरा चेंज हुआ था, फॉरेंसिक ऑडिट का नाम हटके फॉरेंसिक अकाउंटेंट हुआ था, प्रोफेशनल एथिक्स में नोक्लार एप्लीकेबल हुआ था, मतलब नोक्लार भी हाँ भाई अभी एप्लीकेबल होगा क्योंकि पहले भी एप्लीकेबल था, एलओडीआर में छोटे मोटे चेंजेस थे। तो उसकी वीडियो जो मई 23 के अंदर मैंने निकाली थी वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वरना मेरे प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हो। और वो जो अमेंडमेंट वाले नोट्स थे वो आपको टेलीग्राम चैनल में वापस से प्रोवाइड करा दूंगा, वो सेम है, बाकी कोई भी अमेंडमेंट नहीं करा। बट इन केस मुझे लगता है शायद ऐसे कोई गड़बड़ ना कर दे, अगर कुछ अपडेट हुआ तो मैं वापस देता हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।